500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लड़कर, परिश्रम करके, खून पसीना बहाकर और अपने प्राणों का बलिदान देके आज ही आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध कराया है। तो सबसे पहले तो उन दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। जनवरी की वो सुबह की कड़कड़ाती ठंड, जिस समय हर इंसान रजाई के अंदर बैठकर चाय पीना पसंद करता है, उस समय पर हर राम भक्त 22 जनवरी 2024 से कुछ 7-8 दिन पहले, जहां एक तरफ अयोध्या में अनुष्ठान चल रहा था, वहीं पूरे देश में हर राम भक्त लगातार रोज सुबह प्रभात फेरी पर निकल रहा था, जिसमें वो राम नाम और राम भजन गाकर उन पलों के और नज़दीक जा रहे थे जो अयोध्या नगरी में होने वाला था। क्योंकि जब बात श्री राम की थी तो ठंड को ना एक बच्चा, ना एक जवान और ना कोई बुजुर्ग इंसान अहमियत दे रहा था। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 22 जनवरी 2024 की, जो कि हम सब के लिए एक यादगार ही नहीं, एक ऐतिहासिक पल भी था, जिसका हर कोई कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। ये एक समय ऐसा आया कि जब भारत की गली गली में, हर एक मंदिर में राम नाम का गुणगान और हर एक घर के ऊपर एक भगवा ध्वज लहरा रहा था। हालांकि अपने अपने निजी जीवन में सब लोग काफ़ी व्यस्त थे, किसी बच्चे को स्कूल जाना था, किसी को अपने ऑफिस जाना था, किसी को अपनी दुकान खोलनी थी और घर में तो माताओं का रोज़मर्रा का काम होता ही है। लेकिन जब अयोध्या में रामलला के आने की बात आई तो अपने अपने काम से थोड़ा समय निकालकर हर एक इंसान सुबह के टाइम प्रभात फेरी में ज़रूर आ रहा था। भाई देखिए, काम तो ज़िंदगी भर करना है, लेकिन जिस पल के लिए लोगों ने 500 सालों तक इंतज़ार किया हो, वो पल जिसे जीने का अवसर मिल रहा हो, तो आखिर कौन ही उसको गंवाना चाहेगा। आखिर आने वाले पीढ़ी को ये भी तो बताना है कि हमने अपनी आँखों से ये पल देखे हैं और इन पलों का आनंद उठाया है। तो कुछ इस तरह से रामोत्सव का हमने अपने शास्त्री नगर मेरठ में और सब ने अपनी अपनी नगरी में आनंद लिया। तो आइए ले चलते हैं आपको 22 जनवरी 2024 से एक दिन पहले की हो रही तैयारियों की ओर। और यहाँ पे हमारे शर्मा जी और सौम्य जी और छोटी छोटी पलटन पूरी की पूरी बैठी है यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए। जय जय सिया राम। सुबह कितने बजे से कार्यक्रम? सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से हमारा सदर कांड है। सुबह 9 बजे सदर कांड होने के बाद 11 बजे से हमारी वो स्टार्ट होगा लाइव प्रसारण, जिसमें हमारी प्राण प्रतिष्ठा और लाइव आरती चलेगी हमारी अयोध्या से। अयोध्या हमारी तहारी और कीर्तन का वितरण रहेगा और उसके तुरंत बाद हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। बहुत बढ़िया। ये हमारे राम दरबार की सजावट, जो कि दोपहर के टाइम हो गई थी यहाँ पे सजावट सारी, तो उस टाइम मैं तो था नहीं, मैं आज ही देहरादून से आया हूँ। यह है वो सीनरी जो हमारी शोभा यात्रा में रखी जाएगी ठेले में, और इवन शोभा यात्रा की जो पालकी की वो कर रहे हैं,
उसकी सजावट भी यहाँ बाहर चालू हो गई है। और सजावट में ये लोग हमारे लगे हुए हैं, ये तुषार जी हमारे, ये शर्मा जी, और इन्हें तो आपने फूल तोड़ते भी देख लिया होगा, ये सौम्य जी हमारे, चिराग जी महाराज अपने जरा शक्ल दिखाइए लोगों को। ये पूरी जो है ये हमारे उस पर लगेगा, ठेला तो कल ही दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे रसीद काटी जा रही है। बस बस बस, जय श्री राम। ये हमारे तुषार जी ने पूरा डिपार्टमेंट होल्ड कर रखा है रसीद वाला। जय हो। इसका ठेला कब सजेगा भाई साहब? इसका ठेला कल सुबह ही लगेगा ना, अभी फिलहाल ये बैकग्राउंड है बस अपना। ये देखो भाई साहब, ये बिल्कुल पूरा फ्रेम है लकड़ी, किसका लोहे का फ्रेम है पूरा। श्री राम। अभी अभी चल रही है फिलहाल सजावट वगैरह, लेकिन सुबह सुबह वाला जो फंक्शन होगा ना, मतलब आप तो कुछ मिनट बाद ही देख लोगे, लेकिन सुबह वाला जो फंक्शन होगा वो होगा नेक्स्ट लेवल, उसमें डांस खाना ये अपना वो भी है, भंडारा भी है, सोमवार जी ने बताया, शोभा यात्रा भी है, उसमें एकदम रामायण जी कराने हैं, अयोध्या धाम के लिए आएंगे। और जय श्री राम। ये हमारे लाला जी, ये हमारे लाला जी है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कॉलम यही दोनों है ना भाई साहब? चार कॉलम, दो रहेंगे, अभी दो हैं और दो रहेंगे। भाई वाह, बोल प्रियांशु जी महाराज। ये हमारे प्रियांशु जी भाई साहब ध्वज लगा रहे हैं हमारे, फिलहाल इन्होंने सारी जगह लगा दी है, पीछे देखोगे लास्ट ध्वज लग रहा है इस टाइम पे। इधर आइयो। पूरे मंदिर में ध्वज लग गया हमारा, सारे मंदिरों को केंद्र बनाते हुए ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं हमारे। जय श्री राम। आओ, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।